वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं विजय गुजर, आप देख रहे हैं डेली ब्लॉग। तो दोस्तों, ये वीडियो में नीट एस्पिरेंट भी लेकर आया हूँ, जो एमपी के स्टूडेंट हैं 2022 में जो नीट में सम्मिलित हुए थे और आयुष काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बीए एमएस बीएच एमएस बीयू एमएस के लिए। तो दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो आयुष काउंसलिंग में सम्मिलित होऊंगा। इस बार मुझे बी एमएस करना है, तो मेरे जैसे आप लोगों को भी वे सब कुछ इंतजार होगा कि यार आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे, हमारी कॉलेज लाइफ कब स्टार्ट होगी, जैसे मुझे इंतज़ार आप लोगों को भी हो गई होगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये कि यार आयुष काउंसलिंग एमपी के लिए स्टेट काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन में लगभग हो जाएगी स्टार्ट। 30 नवंबर से पहले पहले हमारी काउंसलिंग जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी ऑफिशियल साइट है इंडेक्स काउंसलिंग करके, एमपी में जो इंडेक्स काउंसलिंग करवाती है, तो वहाँ पर 2022 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन वो लिंक जो अभी ओपन नहीं हो रही है, मतलब आज हो जाएगी जहाँ तक समथिंग समथिंग, और कल या परसों से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं भी कॉलेज में मतलब बीएमएस करने वाला हूँ इस बार, कुछ भी करके मतलब करूँगा। मेरे दो ड्रॉप हो चुके हैं, और मेरे जैसे आप लोग भी होंगे कि कॉलेज कब स्टार्ट, हमारी कॉलेज लाइफ कब स्टार्ट होगी यार, मतलब दो ड्रॉप हो चुके हैं। आप लोगों को भी तो कुछ लोग होंगे, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, चार ड्रॉप वाले भी होंगे, जो अब एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा चूँकि बीएएमएस या बीएचएमएससी कर ले, अब डॉक्टर नाम क्या लगाना, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग में जो भी सारे वीडियो बनाता रहूँगा, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे कि लिंक मतलब कब ओपन हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फ़ी लगेगी, कितने पोर्टल चार्ज लगेगा, सारी चीज़ें आपको ए टू जेड सारे अपडेट में देता रहूँगा दोस्तों, है ना, मेरे चैनल के थ्रू। आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, है ना, अच्छे से काउंसलिंग करवाना, और आई होप आप लोगों को आपका ड्रीम कॉलेज मिले, है ना दोस्तों। और मतलब ठीक है, और हाँ, प्लीज़ कमेंट में ये बताना कि आप लोगों के नीट में कितने मार्क्स आए हैं, और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहोगे तो कॉलेज की रैंक वगैरह, कि कौन सा कॉलेज कौन से रैंक में आता है, किसका कितना फीस स्ट्रक्चर है, कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पे भी। और ये चैनल मेरा नया है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है वीडियो, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आप मतलब बिल्कुल वीडियो ध्यान मत देना, क्योंकि अभी ना जो है यार क्या बोल, बंगाल वेस्ट बंगाल की जो है स्टेट आयुष काउंसलिंग जो है नोटिफिकेशन कल आ गया, और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया दोस्तों। अगर आप इधर उधर शादी वगैरह में चले गए, या आपने इग्नोर कर दिया, क्या होगा, ठीक है आ जाएगा, वो 4-5 दिन का टाइम मिलेगा, पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलेगा और गलती से आप मिस हो गए ना, आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में डायरेक्ट मौका मिल मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लगातार बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब नहीं हो रही, कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, सारी चीज़ें अपडेट ए टू जेड मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।